वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जीएचएमसी के इंतखाबात के सिलसिले में रिटर्निंग अफसर आबिट्स पर नामिनेशन दाखिल किया गया और बड़ी खुशी की बात है कि मेरी सर्विसेज को देखकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हलका असम्बली मुशर्रफाबाद के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोहतरमारी जनाब अनिल कुमार यादव साहब मेरे नामिनेशन के फॉर्म सबमिशन के मौके पर मेरे साथ थे। आज के इस मौके पर मैं जनाब उत्तम कुमार डी साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, अंजन कुमार यादव साहब, अनिल कुमार यादव जी, जितने भी मेरे सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं और ख़ास तौर पर यहाँ के जो हलका असम्बली मुशर्रफाबाद के जो इंचार्ज सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी पॉलिटिकल सर्विसेज को देखते हुए और ख़ास तौर पर सोशल सर्विसेज को देखते हुए इन्होंने जीएचएमसी के इंतखाबात में हलके भोलकपुर वार्ड 88 से मुझे इंतखाबात करने के लिए मौका दिया। आज के इस मौके पर मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि मैंने इख्तदार पे ना होते हुए भी आप तमाम की जो तकालीफ थी, ख़ास तौर पर पीने के पानी का मसला हो या आलूदा पानी की सरबराही का मसला हो या सेवरेज लाइन के ओवरफ्लोने का मसला हो या कच्चा मोरी का मसला हो और दीगर पेंशन्स वगैरह, ख़ास तौर पर शादी मुबारक स्कीम और ज़ईफ़ अफराद, बेवा ख़वातीन के साथ साथ हादसात में जो हाल ही में शदीद बारिश से जो मकानात मुनदिम हुए थे, उस सिलसिले में हमने ज़िला कलेक्टर हैदराबाद और मुशर्रफाबाद तहसीलदार से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की ताकि उन मुतासरीन को माली इमदाद दी जाए। इसके अलावा मैं आज के इस मौके पर आवाम से यही अपील करूँगा भोलकपुर के आवाम से कि मैंने अपनी खिदमत के ज़रिए आपको सर्विसेज करने की एक कोशिश की है। आप अगर मुझे इख्तदार पर इंतखाबात के मौके पर मुझे दोबारा मुंतखब करेंगे तो मैं हमेशा आपके साथ 24 घंटे आपकी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। इंतखाबात के मौके पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के कायदीन हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, आपके सामने वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन इस मरतबा चूँकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ तेलंगाना राष्ट्र समिति है और एक तरफ एमआईएम पार्टी है, इन तीनों सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आवाम अगर इस सिलसिले में सोचती है तो सीधा सीधा यहाँ का जो मुंतखबा नुमाइंदा होगा, शायद मैं नहीं समझता कि वो आपकी खिदमत अंजाम देगा। इसीलिए इस मरतबा मैं आप तमाम से फिर एक मरतबा इस बात की अपील करता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, जिनका इम्तियाजी निशान हाथ है और हमने कभी भी इख्तदार पे रहे या ना रहे, लेकिन हमेशा 24 घंटे आवाम की खिदमत करने के लिए हम आपके साथ खांदे से खांदा मिलाकर खिदमत करने की कोशिश की है। दोबारा अगर आप मुझे इंतखाबात में मुंतखब करेंगे, यकीनन मैं आपके साथ आपके हर मसले को मुमकिनन कोशिश करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि इख्तदार पे ना होते हुए भी आप लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ज़रूर आप मुझे मुंतखब करते हुए भोलकपुर को डेवलपमेंट की तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए मुझे खिदमत का मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।